तो मेरे भाइयों कैसे हो, BGMI की लाइव करना चाहते हो पर फोन में 3.5mm का पोर्ट नहीं है और ज्यादा पैसे भी नहीं है कि एलगाटो जैसे महंगे कैप्चर डिवाइस ले सको। कोई बात नहीं, मेरा नाम है नॉक्सिलॉन और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 3.5mm के पोर्ट के बिना BGMI या फिर किसी और गेम की लाइव स्ट्रीम कैसे करें। पूरी वीडियो एंड तक देखना, इजी ट्यूटोरियल है, सब समझ में आ जाएगा। अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। सो लेट्स गो। सो गाइस, अब कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं कि अब हमें कंपोनेंट्स कौन कौन से लगेंगे। तो सबसे पहले हमें एक डिवाइस चाहिए। मेरा डिवाइस है वीवो X60 जिसमें जो है कि अपना 3.5mm का जैक नहीं आता है, सिर्फ USB टाइप सी का पोर्ट आता है इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद हमें चाहिए एक USB टाइप सी टू 3.5mm का कनेक्टर, एक वाला कनेक्टर चाहिए हमें। और फिर उसके बाद हमें चाहिए एक ये 4 पोल का 3.5mm ऑडियो डुप्लीकेटर। अब इसका सीन क्या होता है ना, मैं आपको समझाता हूँ। 4 पोल का ऑडियो डुप्लीकेटर है तो इसमें जो ये दोनों आपको दिख रहे हैं ना, इन दोनों में ऑडियो और माइक दोनों का सपोर्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गया। देन उसके बाद चाहिए आपको एक ऑक्स केबल और एक चाहिए आपको अपना हेडफोन विद माइक, जिससे कि आप अपने गेम का साउंड सुनोगे और अपने टीममेट से बात करोगे। तो अब इनको कनेक्ट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको सीधे करना क्या है, ऑडियो डुप्लीकेटर को 3.5mm के कनेक्टर में लगा देना इस तरीके से, ठीक है। और इसको अपने फ़ोन में लगा देना इस तरीके से, सिंपल लगाएं, कुछ करना नहीं, ठीक है। तो ये 3.5mm अपने फ़ोन में लगा दिया, ऑडियो डुप्लीकेटर इसके पीछे लगा दिया। और इसमें अब हमारे पास दो हैं, इसमें हम लगाएंगे अपना ऑक्स केबल। एक हाथ से करने में दिक्कत होती है यार। और एक में हम लगाएंगे अपना हेडफोन, ठीक है। ये मेरा हेडफोन है, मैंने अभी रिसेंटली परचेज करे हैं। इसके ऊपर अगर रिव्यू चाहिए तो बता देना, तो ये मैं इसमें लगा दूंगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे ऑक्स केबल का दूसरा एंड है वो हम लगाएंगे अपने PC या लैपटॉप के लाइन इन पोर्ट पे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो मैं लगाता हूँ इसको, अभी यहाँ पे पॉपअप आएगा मेरे को एक, ये देखो ये आ गया, ये है लाइन इन पोर्ट, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा लाइन इन, तो याद रखना कि इसको लाइन इन में ही आपको जो है कि सिलेक्ट करना है। लाइन इन में करने के बाद क्या होता है ना कि अपने जो फ़ोन की जो ऑडियो है, अपने गेम की ऑडियो है, वो अपने PC या लैपटॉप में पहुँच जाती है, ठीक है। और हमें यहाँ पे सॉफ्टवेयर कौन कौन से लगेंगे, तो ए पावर मिरर, जैसे कि देख सकते हो ये ए पावर मिरर है और फ़ोन में भी चाहिए ए पावर मिरर, तो हम इसे कनेक्ट कर लेंगे सिंपली। ईजी है, आपका फ़ोन और आपका PC या लैपटॉप सेम वाईफाई पे कनेक्ट होना चाहिए। देन इसके बाद कुछ करना नहीं है, बस यहाँ क्लिक करो और जो है कि ऐसे करके कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो मेरे फ़ोन की जो स्क्रीन है वो मेरे PC में आ चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, BGMI खोल लेंगे सीधा। तो ये हमारा गेम इधर आ चुका है। और अब OBS या फिर स्ट्रीमलैब्स की सेटिंग कैसे करनी है तो वो मैं दिखाता हूँ, चलो लेट्स गो। सो गाइज, अब मैं आ चुका हूँ अपनी PC की स्क्रीन पे, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपनी स्ट्रीमलैब्स की सेटिंग किस हिसाब से करनी है, ठीक है। ओके लेट्स गो। तो आपको सबसे पहले खोलना अपना स्ट्रीमलैब्स, ठीक है। ये मेरा स्ट्रीमलैब्स ऑन हो चुका है और यहाँ पे आपको सीन ऐड कर लेना, जैसे मैंने पहले से कर रखा है कि एंड। तो यहाँ पे आप इसको BGMI नेम दे सकते हो, वैसे मैंने दे रखा तो ऑलरेडी BGMI नेम दे देंगे, ठीक है। तो ये अपना एक BGMI का सीन आ गया। अब इसमें हम सोर्सेज ऐड करेंगे। सोर्स में सबसे पहले हम ऐड करने वाले हैं अपनी गेम की स्क्रीन। गेम की स्क्रीन को ऐड करने के लिए हम क्लिक करेंगे विंडोज कैप्चर पे, देन ऐड सोर्स, और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मैं रख देने वाला हूँ भाई गेम की SCREEN, गेम की स्क्रीन, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको विंडो पे क्लिक करके कर देंगे ए पावर मेरा लाइव स्ट्रीम पे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे गेम की स्क्रीन इस तरीके से आ चुकी है। अब इसको अपने हिसाब से आप लोग कस्टमाइज कर सकते हो, छोटा बड़ा या जो भी है, ठीक है। तो इतना बड़ा मैं इसको कर देता हूँ। यहाँ पे अपनी गेम की स्क्रीन आ चुकी है। अब हम इस गेम की आवाज़ को ऐड करेंगे, क्योंकि गेम की स्क्रीन आ गई, गेम की आवाज़ तो आई नहीं है। तो गेम की आवाज़ को ऐड करने के लिए सोर्स पे क्लिक करेंगे, देन इसके बाद में क्लिक करेंगे हम लोग ऑडियो इनपुट कैप्चर पे, और इसका नाम भी दे देंगे गेम की आवाज़। मैं तो यही नाम दे रहा हूँ, बाकी आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे आपकी मर्जी हो। और भाई साहब यहाँ पे हम डिवाइस पे क्लिक करके लिख देंगे लाइन इन, ठीक है। ये लाइन इन वाला सिलेक्ट कर देंगे, इससे क्या होगा कि आपकी जो गेम की आवाज़ है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे इन्वेंटरी खोल रहा हूँ, तो इन्वेंटरी जैसे खुलती तो साउंड आता है ना एक, और क्लोज का एक साउंड होता है, तो वो यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब है कि अपनी गेम की आवाज़ यहाँ पे आ चुकी है। अब इसके बाद में हम इसमें अपनी खुद की आवाज़ ऐड करेंगे, तो उसके लिए भी ऑडियो इनपुट कैप्चर पर जाएंगे और यहाँ पर नया करके इसका इसका नाम लिख देंगे माइक, यानी MIC माइक, ठीक है।
और यहाँ पे डिवाइस पे क्लिक करेंगे और माइक्रोफोन यूज़ भी कर देंगे। अब मेरी आवाज़ डबल डबल आ रही होगी, क्यों? क्योंकि एक तरफ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दूसरी तरफ जो है कि जहाँ मैंने ऐड ऑन करा तो वहाँ पे मेरी आवाज़ आएगी डबल डबल, इसलिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो अपनी अपनी आवाज़ यहाँ पे आ गई, अपनी गेम की आवाज़ आ गई, गेम की स्क्रीन आ गई। अब अलग से आपको चीज़ ऐड ऑन कर सॉरी अलग से अपनी कोई चीज़ ऐड ऑन करना चाहते हो तो आप लोग क्या करो, अपना ओवरले ऐड करना है आपको। अगर आपका इमेज वाला ओवरले है तो इमेज पे क्लिक करना, ऐड सोर्स पे करना, इसका नाम आप डाल सकते हो, मैं तो ओवरले डाल रहा हूँ, ओवरले डाल दिया। ओवरले के बाद में यहाँ पे हम ब्रोस पे क्लिक करेंगे, ये मेरा ओवरले है ग्रीन स्क्रीन का, डन। अब ये ग्रीन स्क्रीन है, इसको ग्रीन स्क्रीन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके जाएंगे फिल्टर्स पे, एडिट फिल्टर्स पे क्लिक करके यहाँ पे हम क्रोमा की ऐड कर देंगे। तो क्रोमा की ऐड करने से जो है कि ये अपना ग्रीन स्क्रीन इसका हट जाएगा और जो बचेगा अपना ये बचेगा, इसको हम ऐसे बड़ा छोटा कर लेंगे अपने हिसाब से, मतलब अपनी गेम की स्क्रीन के हिसाब से। देखो ये इतना बड़ा हो जाएगा, मतलब अभी ये बाकी इसको हिसाब से बनाना पड़ता है, ये वर्टिकल लाइव स्ट्रीम का वो है। ठीक है, मैं इसको हॉरिजॉन्टल में यूज़ कर रहा हूँ, तो इस तरीके से ये ऐड हो जाएगा। और अगर आपका एनिमेटेड ओवरले है, जैसे कई लोग एनिमेटेड ओवरले यूज़ करते हैं मेरी तरह, तो एनिमेटेड ओवरले के लिए आपको भाई सोर्स पे क्लिक करना है, मीडिया फाइल पे क्लिक करना है, इसका भी नाम आप ओवरले डाल सकते हो, ओवरले, और यहाँ पे इसको लूप पे क्लिक करना जरूरी है। अगर लूप पे क्लिक नहीं करोगे तो वो बार बार नहीं चलेगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, फिर ब्रोस पे क्लिक करके अपना एनिमेटेड ओवरले को सिलेक्ट कर लेना, और सेम इसमें भी वही प्रोसेस है भाई, ये बहुत बड़ा है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा शो करता है, इसे बार बार छोटा कर लेना इसको, है। तो ये आ गया, अब इसमें भी हम जो है कि एडिट फिल्टर कर देंगे एक, क्योंकि ये भी हमारा ग्रीन स्क्रीन का है, किधर गया ये रहा। ठीक है, तो ये भी अपना हो चुका है, अब इसको भी अपने हिसाब से आप लोग जो है कि इधर इधर कहीं पे लगा सकते हो, तो अपने हिसाब से मतलब इसको बड़ा छोटा आप कर सकते हो। तो ये हो गया अपना मेन बेसिकली, मतलब जो आपकी गेम की स्क्रीन आ गई, गेम की आवाज़ आ गई, आपकी खुद की आवाज़ हो गई, और बस इतनी चीज़ें चाहिए होती है कि स्ट्रीम पे जाने के लिए। और बात करने के लिए तो अपना माइक ऐड हो ही चुका है, मतलब अपने जो स्ट्रीम पे जाएगा उससे। ठीक है, इसको मैं बंद कर दूँ जरा एक बार, हाँ। तो मतलब हो गया, अब यहाँ पे हमारे सब कुछ आ चुका है, अपनी गेम की स्क्रीन आ गई और गेम की ऑडियो आ गई, हमारी खुद की ऑडियो हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब इसकी सेटिंग कैसे करनी है आप लोगों को, आप लाइव कैसे जाओगे, मतलब यहाँ से गो लाइव, गो लाइव से क्लिक करने पर लाइव चली नहीं जाओगे, तो आप इसको लाइव कैसे करना है, जाना है सेटिंग पे, और यहाँ से अपने ब्राउजर में अपना यूट्यूब स्टूडियो ऑन कर लेना। ठीक है, अपने स्टूडियो पे आ जाना, यहाँ पे स्टूडियो पे आने के बाद जो है अपने यहाँ पे जाना लाइव वाले सेक्शन पे। ठीक है, ये आ चुके हम लाइव वाले सेक्शन पे, खुल जा भाई। ठीक है, ये आ चुका है यहाँ पे, अभी फिलहाल इसको मिनिमाइज करते हैं। अब आपको इसकी सेटिंग पे आना है, ओबीएस स्ट्रीम लैब्स की, स्ट्रीम पे जाना, यहाँ पे सिलेक्ट करना यूट्यूब RTMPS। यहाँ पे आप दो तरीके से लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, मतलब एक कि अपने स्ट्रीम लैब्स में जो है कि अपनी आईडी लॉगिन कर लो, और दूसरा मेरा मेथड जो मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको यूट्यूब RTMPS क्लिक करना है, यहाँ पे भी आपको प्राइमरी यूट्यूब इन गेस्ट सर्वर ये वाला क्लिक करना है, लेगेसी RTMPS वाला। ठीक है, और यहाँ पे अपनी स्ट्रीम की पेस्ट कर देनी, स्ट्रीम की कहाँ से मिलेगी, स्ट्रीम की आपको यहाँ मिलेगी, ये देखो ये लिखी है स्ट्रीम की पेस्ट इन एनकोडर, ये वाली यहाँ से कॉपी कर लेना, और जो है कि उसको अपने यहाँ पे पेस्ट कर लेना, इसमें यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद में उसको कर देना डन, फिर दोबारा सेटिंग को खोलना अपनी, फिर जाना आउटपुट में, और यहाँ से सिलेक्ट करना एडवांस। अब आप अपने एनकोडर सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको एनकोडर कौन सा चाहिए स्ट्रीम करने के लिए। मैं जो हूँ भाई एनवीडिया एनवेक का S2.64 ये वाला एनकोडर यूज़ करता हूँ। और भाई ये बात रही बिटरेट की, बिटरेट आप अपने नेट स्पीड के हिसाब से अपना बिटरेट देख सकते हो कि आपको कैसा मतलब कितना उसका बिटरेट चाहिए। ठीक है, आप तो अपने हिसाब से देख लेना, जितना अच्छा आपका वाईफाई की स्पीड होगी उतना अच्छा, मतलब उतना आप अपना बिटरेट अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी ये सब सेटिंग देख सकते हो, ये नॉर्मल सेटिंग हो गई। देन इसके बाद में आना है आपको वीडियो पे, वीडियो पे भाई जो है कि यहाँ पे 1080p वाला हिसाब किताब है। ठीक है, और मैं स्ट्रीम करता हूँ 720p 30 FPS पे, तो 720x720 मैंने आउटपुट स्केल रखा है। बेस कैनवास ये रहता है कि जो यहाँ पे हमें दिखाई देगा, ठीक है वो होता है, और यहाँ पे इसको सैम्पल को 32 सैम्पल कर देना, कॉमन FPS वैल्यू कर देना FPS टाइप में, और FPS अपने हिसाब से देख लेना कि आपको 30 करना है, 48 करना है, 60 करना है, वो अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, कि आपको कितने FPS पर स्ट्रीम करनी है, मैं करता हूँ भाई 720x30 FPS, तो ये हिसाब से मेरी सेटिंग है, डन। बस इतना ही करना है, देन उसके बाद में सिंपली आपको गो लाइव पे क्लिक करना है, तो आपकी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगी। अब इसमें अब आपको अगर अपने जैसे कि थंबनेल ऐड करने हैं, टैग ऐड करना है, टाइटल ऐड करना है, तो वो आप कहाँ से करोगे, अगर आपने अपना अकाउंट स्ट्रीम लैब्स में
मतलब जोड़ दिया है, मतलब ऐड कर दिया है, तो आपको उसकी सेटिंग यहीं मिल जाएगी मैनेज ब्रॉडकास्ट करके, उसकी सेटिंग आप यहीं से कर सकते हो। और नहीं करा है जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करोगे, तो आपको अपने यहाँ पे आना पड़ेगा लाइव वाले सेक्शन पे, यहाँ पे आके एडिट पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से जो है कि आप अपना टाइटल डाल सकते हो, अपने टैग्स डाल सकते हो, जो कि मैंने डाल सके तो इतने डाल रखे हैं तो सारे। देन उसके बाद में फिर आप जो है कि नीचे आके यहाँ से अपनी स्ट्रीम को पब्लिक अनलिस्टेड या प्राइवेट कर सकते हो। देन उसके बाद में अपनी कैटेगरी गेमिंग है भाई, और यहाँ से अपने ओवरलेड को ओवरले ऐड कर सकते हो, ओवरले कर रहा हूँ सॉरी, यहाँ पे आप अपने थंबनेल को ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये है अपना थंबनेल, यहाँ पे मतलब थंबनेल यूज़ कर सकते हो कोई से भी, तो यहाँ से आप अपने थंबनेल को ऐड कर सकते हो। देन उसके बाद में यहाँ से सेव कर देना, तो जो है कि आपका हो जाएगा। फिर आप अपने जो है कि OBS मतलब स्ट्रीम लैब से जब अपने गो लाइव पे क्लिक करोगे, तो उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे जो है कि मतलब आपका स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है गाइस। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताई है। तो मेक श्योर अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर विद अ ब्रांड न्यू अनदर वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।